जिन गांवों में शत प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे उन गांवों को आयुष्मान गांव बनाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 17 सितंबर से 9 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 100% आयुष्मान कार्ड बनाने का संकल्प लिया गया है। भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भव कार्यक्रम के अंतर्गत एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर धन सिंह रावत ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि 9 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 100% आयुष्मान कार्ड बनाने का संकल्प है। उन्होंने बताया कि जिस गांव में 100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे उस गांव को आयुष्मान गांव घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा टारगेट पूरे प्रदेश को टीबी मुक्त करना है। जिस गांव में टीबी का कोई मरीज नहीं रहेगा उस गाँव को टीबी मुक्त गाँव घोषित किया जाएगा। उन्होंने SDM तथा भगवानपुर विधायक ममता राकेश से भी आग्रह किया कि हर गाँव के जनप्रतिनिधि को बुलाकर एक मीटिंग कर आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए जागरूक किया जाए। और लक्ष्य यह है कि जहां 100% आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे उसको आयुष्मान गांव घोषित किया जाएगा। दूसरा टारगेट यह है कि जिस गांव या कस्बे में 100% लोगों का टीबी का इलाज हो जाएगा उसको टीबी मुक्त वार्ड और टीबी मुक्त गांव बनाने का टारगेट बनाया गया है। अभी तक हमारे राज्य में 61 लाख लोगों ने आवाहटी बना दी और 53 लाख लोगों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड बना दिए। हमारा टारगेट यह है कि 9 नवंबर तक जब राज्य स्थापना दिवस होगा तो 100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बन जाए, 100% लोगों की आवाहटी बन जाए, क्योंकि हमारी प्राथमिकता सबका साथ सबका विकास की है और हर व्यक्ति की इलाज कैसे ठीक हो उसकी प्राथमिकता। भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने बताया कि भगवानपुर में 106 गांव और लगभग 350 फैक्ट्री लगी हुई है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट सालियर से मंडावर के बीच हाईवे पर होते हैं, जिसको देखते हुए यहां पर ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र में बहुत सारी कमियां हैं। यहां पर हाईवे के पास में हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ब्लड डोनेशन तो करवा रहे हैं, कैंप लगवा रहे हैं, लेकिन यहां कोई हमारा रक्तदान केंद्र नहीं है। यहां पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।